साई राम चल रहा है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। और मास्क वगैरह लगा रहे हैं, हैंड को अच्छे से वॉश कर रहे हैं, है ना? और सबको बता भी रहे हैं कि हमको बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है ना। चलिए अब हम पढ़ाई की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अभी तक हमने बहुत सारे स्ट्रोक सीख लिए हैं, है ना? और आज हम उनको देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है और आज हम और क्या सीखने वाले हैं। आज हम कर्व लाइन आज भी सीखेंगे, लेकिन आज हम अपवर्ड कर्व एंड डाउनवर्ड कर्व सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्लाइड, जिसमें कि हमको देखना है कि हमने क्या सीख लिया है और हमको क्या सीखना है। तो चिल्ड्रेन, सबसे पहले हम लोग ने स्टैंडिंग लाइन सीखा था, फिर दिस लाइन इज दिस, स्लीपिंग लाइन दिस इज, बताइए जल्दी से, स्लैंटिंग लाइन राइट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड दिस इज, दीज आर कर्व्ड लाइन, ठीक है? तो इसमें हमने कौन कौन से कर्व सीख लिए थे? दिस इज राइट कर्व एंड दिस इज लेफ्ट कर्व, ठीक है? ये हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में, हमने राइट एंड लेफ्ट कर्व के बारे में सीखा था, ठीक है? टुडे वी विल लर्न अबाउट एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट वन जो है ये ऊपर लिखा हुआ है, ग्रीन वाला है अप कर्व, और ये जो पिंक कलर से है ये है डाउन कर्व, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कर्व क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है? लेट अस नो व्हाट इज कर्व। ओके, अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, जो लाइन सीधी नहीं होती है, गोल होती है, दैट इज अ कर्व लाइन। ओके, अ कर्व दैट टर्न इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एन अप कर्व। जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, है ना, जो ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है वो क्या है? अप कर्व, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। चलिए देखते हैं, ये देखिए, हियर वी हैव बोल ऑफ लड्डू। आई नो यू ऑल, यू लाइक लड्डू, है ना? बट डिड यू नोटिस दैट द बोल इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व। जो बोल है वो कैसा कर्व दिखा रहा है, देखो ध्यान से, ये देखिए, है ना? जो बोल है वो पूरा कर्व है, कैसा कर्व है? अप कर्व है। क्या बोलेंगे इसको? अप कर्व, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा क्या है हमारे पास में। ओके, वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ अप कर्व। हियर वी हैव अ कर्व, ठीक है? ओके, नाउ वी हैव स्माइलिंग फेस, है ना? इसके लिप्स देखिए ध्यान से, कैसे हैं ये? स्माइल कर रहे हैं। हाँ, वी हैव स्माइलिंग फेस। व्हेन वी आर स्माइलिंग आवर लिप्स आर कर्व अपवर्ड, है ना? अपने जो लिप्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं, लाइक इन अ अप कर्व। सो लाइक दिस वी हैव अ स्माइलिंग फेस विद लिप्स कर्व अप, सो इट इज ऑल्सो लाइक अ अप कर्व, है ना? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमको लिखना कैसे है।
इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कर्व बनाए हुए हैं जिसको कि आपको जिसके ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेस करना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं और इसके ऊपर ट्रेस करते हैं। ये देखिए ऐसे मम्मी से बनवा लेना है और आपको धीरे धीरे उसके ऊपर ऐसे ट्रेस करना है, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है? रेड डॉट से शुरू करना है। आपके लिए एरो बनाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रेड डॉट और उसके ऊपर स्लोली स्लोली यू हैव टू ट्रेस लाइक दिस, ठीक है। देख रहे हैं आप धीरे धीरे ये ऐसे, मैम भी आपके जैसे बिल्कुल धीरे धीरे रुक रुक कर कर रही हैं, जिससे कि हमको जो मम्मी ने बनाया है या जो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया है वो उससे बाहर नहीं जाए। ये देखिए ठीक है, तो हमको जो फर्स्ट डॉट है रेड वाला उससे हमको स्टार्ट करना है और उससे स्टार्ट करके हमको सेकेंड डॉट पर जाना है, रेड लाइन तक जाके यहाँ पे रुक जाना। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? ये जो रेड डॉट है उससे स्टार्ट करना है फर्स्ट लाइन में, फिर सेकंड लाइन में और इस तरह से थर्ड लाइन को टच करते हुए हमको ऊपर चले जाना है। सो दिस इज अपवर्ड कर्व, ठीक है। ये कौन सा कर्व हो गया आपका? अपवर्ड, जो कि ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है, ये देखिए ठीक है। इस तरीके से जो पूरा डॉट पूरा जो ड्रॉ किया हुआ है मम्मा ने, पूरा जो बनाएंगी मम्मी आपको, उसमें इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दिख रहा है आपको? अच्छे समझ में आ रहा है? ये अगर हम इसको और ब्रॉड कर देंगे तो ये स्माइल जैसा दिखने लगेगा, ये हॉल से कोई स्माइल कर रहा हो, है ना। ये देखिए इस तरीके से आपको स्लोली स्लोली अपनी पेंसिल से इस तरीके से करना है। अब जब हम दूसरी तीसरी लाइन में आएंगे तो ये कुछ डॉट 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 से ही बना दिया है, इसको आपको डॉट टू डॉट टच करना है और हमको कर्व बनाना है, ठीक है। ये देखिए बन रहा है ना आसानी से, रेड डॉट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लाइन हो गई, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन को टच करते हुए हमको ऊपर जाना है और यहाँ पे मैम ने क्रॉस बनाया, इट मीन्स You have to not come in this line, okay? ये देखिए यहाँ से फिर से रेड लाइन से शुरू करेंगे और एक डॉट दूसरा डॉट फिर ऐसे ऐसे करते करते करते, ये देखिए है ना। तो इस तरीके से आपको सारे को कंप्लीट करना है और यहाँ पे नीचे नहीं आना है, ठीक है। इस तरीके से नीचे नहीं आना है और आपको इसी तरीके से अपना पूरा ये पेज कंप्लीट करना है, लेकिन आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, ठीक है। यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट से जाना है और राइट पे जाके यहाँ पे रुक जाना है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं आना है, थर्ड लाइन पे रहना है, 1 2 3 जो भी अभी हम काम करेंगे 3 लाइन में ही काम करेंगे, ठीक है बेटा। अभी हमने कौन सा कर्व सीखा? अप कर्व, ठीक है। नाउ वी विल लर्न डाउन कर्व, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अ कर्व दैट टर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड अ डाउन कर्व, ठीक है। लाइक अ अपोजिट U, जो हम U बनाते हैं उसका अपोजिट, जैसे हमने उल्टा कर दिया हो, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ओके। ओहो, व्हाट इज दिस? देखा है कहीं पे? कहाँ देखा है? स्काई में जब बारिश होती है और जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद में आसमान में स्काई में क्या बन जाता है? रेनबो। इसमें कितने कलर होते हैं? कैन यू टेल मी? यस, 7 कलर। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, इट्स सो कलरफुल, है ना। डिड यू नोटिस दैट?
the rainbow in a form of downward. देख रहे हैं, डाउन कर्व बना हुआ, उसमें कैसा उल्टा हो गया, पहले हमारा सीधा था, यू था, अभी ये हमने जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हमने यू को उल्टा कर दिया हो, तो ये कैसा कर्व हो गया है, डाउन कर्व. विच कर्व इज दिस, डाउन कर्व. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ओहो, अगेन वी हैव फेस, बट दिस फेस इज सैड. कैसा ये दुखी है, कैसा है ये दुखी है. व्हेन वी आर सैड आवर लिप्स आर कर्व डाउन. जब हम खुश होते हैं तो हमारे जो फेस के कर्व है वो कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, अप हो जाते हैं. लेकिन जब हम गुस्सा होते हैं, सैड होते हैं, तो कैसे हो जाते हैं हमारे, ये कहाँ हो जाता है, डाउन हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डाउन कर्व, है ना. ओके, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ओहो हो, दिस इज, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज दिस, बताइए जल्दी से. यस, दिस इज सन एंड दिस इज अम्ब्रेला. वेरी गुड. तो ये अम्ब्रेला का शेप कैसा दिख रहा है बेटा, बताओ जल्दी से. अम्ब्रेला का शेप भी कैसा है, डाउन. कैसा है, डाउन कर्व है इसका भी, जैसा लग रहा है यू को हमने उल्टा कर दिया है, है ना. तो दिस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एंड दिस सन आल्सो लुकिंग लाइक अ, बताइए जल्दी से, डाउन कर्व, है ना. तो ये भी सन और ये जो अम्ब्रेला है ये भी कैसा है, डाउन कर्व है. ठीक है, इसको भी हम डाउन कर्व बोलेंगे. अगर हम इसको बाहर से ट्रेस करेंगे तो ये देखिए इट्स लुक लाइक अ डाउन कर्व, है ना. अगर हम इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं, इसका एक कलर हटा देते हैं, सिर्फ ब्लैक लाइन रखेंगे, तो ये हमारा कैसा दिखेगा, जस्ट लुक लाइक अ डाउन कर्व. ठीक है, अभी हम इसको भी बनाना देखेंगे, इसको हम कैसे बनाते हैं, और इसके लिए हम फिर से आपको बताएंगे इसको हमें कैसे बनाना है. इसको भी हम, ये देखिए यहाँ भी हम इसको पेन सेलेक्ट करते हैं, और पेन सेलेक्ट करने के बाद में कलर लेके हम वो शुरू करते हैं. इसको कहाँ से शुरू करना है, ये एरो बना हुआ है, नीचे से शुरू करना है. ये यहाँ पर जो रेड डॉट है वो कहाँ पर है, नीचे है. तो हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे. ठीक है, ये देखिए ये, और इसको पूरे को हमने क्या कर दिया, ट्रेस कर दिया. ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं, हम दूसरे को भी इसी तरीके से स्लोली स्लोली करना है. मुझे मालूम है आप फास्ट नहीं कर पाएंगे, मैं भी आपके जैसे ही स्लो करने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पर हमारा एरो बना है, एरो बता रहा है कि आपको हमें किधर की तरफ टर्न होना है. ठीक है, ये आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट डाउन कर्व. ठीक है, इस तरीके से मम्मी आपकी बना देंगी. फुल लाइन की कॉपी है ये, इंग्लिश की कॉपी में ही हमको सारे स्ट्रोक सीखने हैं, क्योंकि जब हम ABCD बनाएंगे तो हम इसी में ही बनाएंगे, है ना. तो अब हमारा कौन सा है, ये डॉट. पहले हमने पूरे में बनाया तो उसके ऊपर आपने पेंसिल से ट्रेस किया, अब हम यहाँ पर डॉट टू डॉट जाएंगे और इसको हम बनाएंगे. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया 6, है ना. क्या बन गया, ये बोलते जाएंगे डाउन कर्व. विच कर्व इज दिस बेटा, डाउन कर. एक एक डॉट के पास जाना है, हर एक डॉट के पास जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है. तो वाला अगर किसी डॉट को छोड़ दिया तो वाला डॉट गुस्सा हो जाएगा कि मुझको छोड़ दिया, मुझको बनाया नहीं, मुझको क्यों नहीं टच किया. तो हमको ये सारे डॉट्स को टच करते हुए इस तरीके से हमको ये पूरा, ये देखिए इस तरीके से हमको पूरा ये बनाना है.
और जहाँ से एरो शुरू होता है हमको भी वहीं से शुरू करना है। हमारा जो रेड डॉट है इससे हमको इसको शुरू करना है और ये इस तरीके से हमारा वर्क ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी आज हमने कौन सा अपकर्व सीखा, ये हमने यहाँ पर अपकर्व बनाया था और उसके बाद में हमने यहाँ पर डाउनकर्व सीखा। जैसे हम यहाँ पे नीचे नहीं आए, हमने 1 2 3 लाइंस को यूज किया, इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 लाइन को यूज करना है और नीचे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना है। इस लाइन में तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना है, कोशिश करना है हमको सारा काम कहाँ करना है, 3 लाइन पर ही करना है और 3 लाइन से बाहर हमको नहीं जाना। देखिए यहाँ पर भी ये जो बीच का खाली जगह है इस जगह आपको नहीं आना है, यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ हमको जो भी काम करना है वो सिर्फ हमको 1 1 2 और ये 3 डॉट्स पे ही करना है। ठीक है, हमको नीचे नहीं आना है। ठीक है बेटा, समझ में आया? सो चिल्ड्रन, आज हमने कर्व लाइन भी सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब अल्फाबेट बनाना सीखेंगे, नंबर्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, हमारे सारे मैक्सिमम स्ट्रोक्स हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शांति पाठ से खत्म करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम, बाय बेटा, बाय, टेक केयर।